गुड इवनिंग दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये खूबसूरत से काना लिली प्लांट के ऊपर है और ये इसकी टॉल वैरायटी है। और दोस्तों इसकी खासियत ये है, ये पानी और मिट्टी दोनों में भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाता है। इसको समर सीजन, रेनी सीजन या विंटर सीजन से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सदाबहार प्लांट है। और ये पानी में कैसे ग्रो होता मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगा, आप वीडियो में बने रहे। और दोस्तों पर्सनली ये प्लांट मेरे को बहुत अच्छा लगा तो इसके राइजोम मैंने हार्वेस्ट करने पड़े। और ये देसी वाली वैरायटी है इसकी, पिछले साल की। इसको भी मैं नई मिट्टी के साथ दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगा। और दोस्तों ये एक सन लविंग प्लांट है और जो ये इसकी फ्लोरिंग स्टेम होती है ये बिल्कुल गैडुलस प्लांट की तरह ही होती है, एक स्टेम में काफ़ी कलियाँ निकलती हैं। और दोस्तों ये कितना हार्डी प्लांट है, ये बिल्कुल देखो सूखी मिट्टी में लगा हुआ है जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। और इसके पत्ते कहीं से भी जले हुए या मुरझाए हुए नहीं लगेंगे आपको और बहुत ही एक तरह से टफ मिट्टी में लगा है। लेकिन इसके साइड से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं। और दोस्तों ये मैं किसी पार्क की क्लिप आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ से इसके कुछ राइजोम्स कलेक्ट किए थे और मैं उनको भी लगाऊंगा पानी में भी और मिट्टी में भी। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही प्लांट है जो अभी मिट्टी में लगा हुआ था और ये वही प्लांट है जो अभी पानी में लगा हुआ है। इस तरीके से ये हमेशा बारह मास इस तरह से फ्लोरिंग करता है और ये बिल्कुल भी आम कैना लिली की तरह बिल्कुल भी नहीं गलता ना सड़ता है, बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव भी करता है। और आपको सामने वो दिख भी रहे होंगे, ग्रो बैग में भी कुछ कैना लिली के प्लांट्स लगा रखे हैं। मैं थोड़ा सा पास में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मिट्टी के गमले में भी लगा रखे हैं और ये कुछ ग्रो बैग में भी इनको प्लांट को शिफ्ट कर रखा है और बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं और फ्लोरिंग भी कर रहे हैं। और दोस्तों जो हम गमले में कैना लिली के प्लांट लगाते हैं वो एक तरह से देसी वैरायटी के होते हैं पर उनकी 2 से 2.5 फीट की ही हाइट होती है और फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये एक टॉल वैरायटी के प्लांट है और इनकी हाइट 6 से 8 फीट तक चली जाती है। और दोस्तों ये कितना हार्डी प्लांट है आप देख सकते हैं, इसकी रूट्स ना पानी में है ना मिट्टी में है लेकिन फिर भी फ्लोरिंग कर रहा है, तो ये बहुत ही आसानी से चलने वाला एक प्लांट है। और ये मेरा पिछले साल वाला कैना लिली है देसी वैरायटी वाला, इसको भी मैं नई मिट्टी और गमले के साथ में इसको शिफ्ट करूँगा। तो पिछली बार रेड कलर की बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग हुई थी इसमें भी। और ये टॉल वैरायटी वाली कैना लिली है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में कुछ क्लिप शेयर की थी, ये काफ़ी दिनों से इसी मिट्टी में लगा हुआ है और पानी ना के बराबर है, सूखी मिट्टी में लगा हुआ उसके बाद भी ये कितना हेल्दी और बहुत ही ग्रीन है। और ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी में लगा रखा है, हाथ लगाते मिट्टी झड़ जाती है ये। और इस तरह की मिट्टी में लगाने से इसके जो राइजोम या छोटे छोटे बेबी पप्स आसानी से निकल जाते हैं साइड से। और इस तरीके से मैं पूरे प्लांट की मिट्टी को रिमूव कर दूँगा और इस तरीके से मैं आराम से इसके छोटे छोटे जो बेबी पप्स निकले हुए हैं या राइजोम हैं उनको आराम से सेपरेट निकाल लेंगे और एक बड़े कंटेनर में सभी को शिफ्ट करेंगे। और ये कुछ इस तरीके से मैंने सभी प्लांट्स को निकाल के एक साइड में कर दिया और इस तरीके से मैंने दोनों वैरायटी के प्लांट्स को निकाल लिया। अब हम इसको बड़े कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। और ये एक 20 लीटर की पेंट की वेस्ट बाल्टी है, इसमें मैंने मिट्टी डाल के और ये सभी राइजोम और ये प्लांट इसी में लगाऊँगा मैं। और इस तरीके से मैंने सभी प्लांट्स को ऐसे शिफ्ट कर दिया है। और इसकी मिट्टी की बात करें तो ये सिर्फ गार्डन सॉयल है और थोड़ी सी इसमें कंपोस्ट ऐड की है और ज़्यादा मिट्टी में कोई ख़ास नहीं है। और दोस्तों ये बरसात तक इतनी अच्छी फ्लोरिंग करेगा, मैं आप लोगों के साथ वो अपडेट भी शेयर करूँगा। तो इस तरीके से मैंने इस कंटेनर में 8 से 10 प्लांट लगा दिए हैं और इस तरीके से कंटेनर में शिफ्ट करने के बाद में मैं इसमें ऊपर से खाद ऐड कर दूँगा, क्योंकि इसके जो पब्स थे या राइजोम थे वो मैंने ज़्यादा गहराई में नहीं दबाए मिट्टी में। अब इसके ऊपर खाद ऐड करने के बाद वो खाद का भी काम करेगा और जो नए नए बेबी प्लांट निकलेंगे उनको निकलने में भी आसानी रहेगी। और इस तरीके से अब हम इसमें कर देते हैं वाटरिंग और इसको रख देंगे फुल सनलाइट में। और दोस्तों कैना लिली का ये वही प्लांट है जो मैंने अभी मिट्टी में लगाया और ये देखो पानी में पिछले 20 से 30 दिन से यही पानी में ही है ये, और ये गलने के बजाय इसमें नई नई रूट्स भी आ गई। इसको भी मैं गमले में शिफ्ट करूँगा। और दोस्तों वीडियो के साथ साथ मेरी हार्वेस्टिंग कैसी लगी कमेंट करना। और दोस्तों पानी से निकालने के बाद में इन दोनों प्लांट को मैं छोटे गमले में शिफ्ट करूंगा, जब ये थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तब मैं इनको बड़े कंटेनर में इनको भी शिफ्ट कर दूंगा। और दोस्तों मिट्टी की बात करें तो ये वही मिट्टी है जो अभी पहले वाले प्लांट लगाए थे, बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल है और कंपोस्ट है। और दोस्तों कैना लिली की जो फ्लोरिंग है वो बहुत सारे कलर्स में होती है, फिलहाल मेरे पास में रेड और येलो है लेकिन बहुत जल्द मेरे पास सभी कलर्स के कैना लिली प्लांट अवेलेबल हो जाएंगे। और इस तरीके से मैंने उस प्लांट को शिफ्ट कर दिया है, अब इस दूसरे प्लांट को भी मैं शिफ्ट कर दूंगा। इसकी थोड़ी सी मिट्टी निकालनी पड़ेगी, मैंने पहले ज़्यादा भर दिया था इसमें।
और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि गर्मी की वजह से बहुत सारे प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो आप कुछ इस तरीके के प्लांट भी लगा सकते हैं जो बिना पानी के और तेज़ धूप में भी बहुत ही आसानी से चल जाते हैं और बहुत अच्छी फ्लोरिंग भी करते हैं। और इस तरीके से मैंने दोनों प्लांट को कर दिया शिफ्ट। अब हम इसमें कर देंगे वाटरिंग और इसमें पानी एक बार बहुत अच्छे से डाल देंगे ताकि ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए। और दोस्तों कहीं से भी अगर आपको इसका एक प्लांट या राइजोम मिलता है तो आप उससे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये एक हार्डी प्लांट है और कुछ टाइम बाद ही आपका पूरा गमला इस प्लांट से भर जाएगा। और दोस्तों अगला जो मेरे पास में प्लांट है वो ये रेड लीफ वाला प्लांट है। इसकी भी बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती है। ये भी मैं किसी टाइम एक राइजोम से लगाया था, आज ये मेरे पास में 5 से 6 इसके प्लांट हो गए हैं। इसके एक छोटे से प्लांट को मैंने पिछली बार रेनी सीजन में लगाया था, तो इस तरीके से मैं इस प्लांट को भी इस कंटेनर से बाहर निकाल लूँगा क्योंकि इस प्लांट को मैं दूसरे मिट्टी और गमले में लगाऊंगा। इसमें काफ़ी दिन से ये यहीं लगा हुआ था और इस तरीके से मैं धीरे धीरे इस प्लांट को निकाल लूँगा ताकि ये डैमेज ना हो। और दोस्तों इसको कंटेनर से बाहर निकालने का एक ही रीज़न था क्योंकि अब मैं इसको चौड़े कंटेनर में या बड़े गमले में लगाऊंगा ताकि अपने साइड से और छोटे छोटे बेबी प्लांट हमें मिल सके। और इस तरीके से मैं सारी मिट्टी को रिमूव करके अब इस गमले में मैं इसको शिफ्ट करूँगा जो मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। और दोस्तों इस प्लांट में मेरे रूट्स भी कुछ ज़्यादा ही हो गए तो इसकी रूट्स भी मैं प्रून करूँगा और इस प्लांट को 2 हिस्से में करके अलग अलग कंटेनर में ही लगाऊँगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों की रूट्स को प्रून कर दिया है और इस तरीके से मैंने इस प्लांट को 2 हिस्से में कर दिया। और दोनों प्लांट के रूट्स को भी प्रून करने के बाद में मैंने जितने भी इसके सूखे पत्ते थे उनको भी रिमूव कर। और दोस्तों खाद मिट्टी ऐड करने के बाद मैं ऊपर से थोड़ी सी इसमें मस्टर्ड केक का पाउडर डाल रहा हूँ ताकि जब ये फ्लोरिंग करेगा तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही हेल्दी ये प्लांट रहे। और इस तरह से इस कैनालीली प्लांट को भी मैं इस गमले में शिफ्ट कर दूंगा। और दोस्तों इसकी फ्लावरिंग कुछ इस तरीके से होती है। और इसी तरीके से मैं इस दूसरे प्लांट को भी इस कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगा। मैंने इन दोनों को पहले ही अलग अलग भागों में कर दिया था और दोस्तों पहले के मुकाबले अब इन दोनों प्लांट्स को बड़ा कंटेनर मिल गया है और अब ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा और साइड में नए नए प्लांट्स भी प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कैनालीली के प्लांट है तो ये बहुत ही बढ़िया समय है, आप उनको नई मिट्टी के साथ में और बड़े कंटेनर में शिफ्ट करें। आप इस तरीके से एक प्लांट से 10 प्लांट बना सकते हैं। और इन सभी को अच्छे से शिफ्ट करने के बाद में मैंने फुल सनलाइट में रख दिया है क्योंकि एक हार्डी और सन लविंग प्लांट है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी शेयरिंग कैनालीली के ऊपर, और कैनालीली की एक वैरायटी ये है। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहा था, वो वैरायटी भी बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग हो जाएगी जिस पे अभी मैं शोध कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।